हल्द्वानी हिंसा में नया मोड़, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, 9 दंगाइयों की संपत्ति कुर्क, रडार पर आ गए 5 नेता। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा हुए एक हफ्ता हो गया है, जिसके बाद भी लोगों में दहशत है। इसी बीच इस घटना पर कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है, जहां मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद हिंसा फैलाने वाले दंगाइयों की अब खैर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे के साथ साथ 9 उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस की रडार में 5 नेता आ गए हैं जिनका इस हिंसा में नाम सामने आया है। तो इस खबर में विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं मामले के अपडेट्स को। सरकार प्रशासन देवभूमि में शांति कायम करने की पूरी कोशिश कर रही है। एक अवैध मदरसा गिराए जाने के बाद भड़की हिंसा को हफ्ता भर हो गया है। प्रशासन की कड़ाई का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे शहर में हालात सामान्य होने लगे हैं। इस मामले में अब कुछ नेताओं पर पुलिस की नजर है। ये बात शुरुआत से ही समझ से परे थी कि महज एक व्यक्ति के भड़काने पर इतनी भयंकर हिंसा कैसे हो सकती है। ये सब पुलिस के लिए सबसे ही संदेह पैदा कर रहा था। अभी तक अब्दुल मलिक के अलावा फरार चल रहे कई अन्य लोगों को हिंसा भड़काने और अतिक्रमण ध्वस्तीकरण का सर्वाधिक विरोध करने का जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन बुधवार को मामले में एक नया मोड़ आ गया। पुलिस के सामने कुछ ऐसे तथ्य आए जिसने शहर के कुछ राजनेताओं की तरफ पुलिस के शक की सुई घुमा दी है। ऐसे करीब 5 नेताओं की छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद की बात कहने वाले ये लोग भीतर खाने, उपद्रव फैलाने या लोगों को भड़काने वालों के संपर्क में थे। जांच के घेरे में आए इन नेताओं के मोबाइल फोन भी उपद्रव के बाद से स्विच ऑफ आ रहे हैं, हिंसा के दिन से ही बंद आ रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार इन पर नजर बनाए है। इसी के साथ हल्द्वानी हिंसा मामले पर एक और बड़ा अपडेट आया है, जिसके बाद हल्द्वानी में हिंसा फैलाने वाले दंगाइयों की अब खैर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। सिविल कोर्ट ने गुरुवार को हल्द्वानी के बनभुलपुरा में 8 फरवरी को ही हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे के साथ साथ 9 उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं, जहां हल्द्वानी हिंसा में पुलिस की ओर से एक्शन को तेज कर दिया गया है। कोर्ट में पुलिस ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट बुधवार को पेश की थी। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को आधार बताते हुए आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। DIG कुमाऊं रेंज डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने इस मामले में कहा कि सभी आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित किए जाने की कार्रवाई शुरू भी कर ली गई है। बता दें कि हल्द्वानी प्रशासन ने 7 दिन बाद यानी कि गुरुवार 15 फरवरी को बनभुलपुरा शहर में कर्फ्यू में कुछ घंटों के लिए ढील देने की घोषणा की थी। वहीं हल्द्वानी हिंसा पर सिविल कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ CRPC की धारा 82-83 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ बुधवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। आरोपी मलिक ने बनभुलपुरा में मदरसे का निर्माण कराया था और उससे इसे ध्वस्त किए जाने का विरोध कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि वारंट के जरिए पुलिस को उसके घर की तलाशी लेने और उसे पकड़ने के लिए आवश्यक अन्य कदम उठाने की अनुमति होगी। पुलिस ने ये उसकी संपत्ति की कुर्की के लिए अदालत से याचिका भी दायर कर दी है। नैनीताल पुलिस और प्रशासन की ओर से आदेश के अनुपालन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नैनीताल पुलिस का कहना है कि आज से इस मामले में आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने मुरादाबाद और बरेली जोन को चिन्हित उपद्रवियों के संबंध में जानकारी साझा की है। पुलिस हर आरोपी की धरपकड़ की कार्रवाई में सहयोग का अनुरोध कर रही है। माना जा रहा है कि हल्द्वानी हिंसा के बाद ये आरोपी यूपी की सीमा में प्रवेश कर गए हैं।
इसीलिए हल्द्वानी पुलिस और प्रशासन की टीम दो जोन की पुलिस से मदद मांग रही है। हल्द्वानी में गुरुवार 8 फरवरी को हिंसा के मामले में 18 आरोपियों को नामजद किया गया है। इस मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसका बेटा जो बड़ा है अबू मोईक के साथ अन्य आरोपी सभी फरार चल रहे हैं। इसमें निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी, वसीम उर्फ हप्पा, मौकीन सैफी, एजाज अहमद, तस्लीम जियाउल रहमान, रईस उर्फ दत्तू फरार चल रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को मलिक की पत्नी साफिया द्वारा विध्वंस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। मशहूर वकील सलमान खुर्शीद ने बनभुलपुरा निवासी की ओर से उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को क्षेत्र में विध्वंस से पहले अदालत में जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उच्च कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही नहीं की गई। जहां वकील सलमान खुर्शीद ने दावा किया कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिए जाने के 4 दिन बाद विध्वंस किया गया, जबकि कानून की प्रक्रिया के अनुसार उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई मई के दूसरे हफ्ते में होगी। दूसरी तरफ बनभुलपुरा इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां 8 फरवरी से कर्फ्यू लगा हुआ है। हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने 8 फरवरी को हुई हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच शुरू भी कर दी है। उन्हें 10 फरवरी को काम सौंपा गया था और 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया था। कुमाऊं आयुक्त ने आम जनता को सूचित किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त घटना से संबंधित कोई भी तथ्य, सबूत या बयान रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो एक हफ्ते के अंदर कैंप कार्यालय आ सकता है। प्रशासन उस सभी का सबूत के साथ बयान दर्ज करेगी जो कि इस जांच में सहायता होगा। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के 24 घंटे के बाद बनभुलपुरा में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन पर पुलिस चौकी खोल दी गई है। इसी को बाद में थाने के रूप में तब्दील किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बनभुलपुरा के उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने आगे कहा कि उपद्रवियों के लिए देवभूमि में कोई जगह नहीं है। आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो फिर दोबारा ऐसी गलती ना करें। सीएम धामी ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही मलिक के बगीचे में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन पर थाना बनवाने की घोषणा की थी। तो वही मंगलवार को DIG डॉक्टर योगेंद्र रावत की उपस्थिति और SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने देखरेख में पुलिस चौकी का लोकार्पण हुआ। SSP के अनुसार थाने के निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। भविष्य में सभी राजकीय कार्य इसी चौकी में किए जाएंगे। वहीं हिंसा को देखते हुए बनभुलपुरा में मानवाधिकार के उल्लंघन की अफवाहें भी उड़ रही है। इसे लेकर DM वंदना ने 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी क्षेत्र में निरीक्षण कर देखेगी कि कहीं किसी को परेशानी तो नहीं हो रही। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। चिकित्सा सुविधा और अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। समिति निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, साथ ही मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। वहीं जिला प्रशासन बनभुलपुरा से कर्फ्यू जल्द हटाने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। वह हर कदम को फूक फूक कर रख रहा है जिससे कि दोबारा अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो सके, इसीलिए हर तरह की स्थितियों पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं बुधवार को बाजार बंद होने की अफवाह दिन भर उड़ती रही। SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने अफवाह पर विराम लगाते हुए कहा कि बुधवार को पूरा बाजार खुला रहेगा, केवल बनभुलपुरा में कर्फ्यू है, हल्द्वानी खुला है, लोगों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, अफवाह पर ध्यान न दें। SSP का कहना है कि पुलिस, नगर निगम प्रशासन और मीडिया कर्मियों पर पथराव करने वाली महिलाओं का बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है। उन्हें किन लोगों का सपोर्ट था, किसके उकसाने पर पथराव किया, पत्थरबाजी की हर बिंदुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Capital TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।